हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स। और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। से स्टार्ट करेंगे, ओवरऑल तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। इसको भी हम दो फेजेस में करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, और लेक्चर के एंड तक जाते जाते हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल। लास्ट लेक्चर्स में हमने कॉन्टिन्यूटी को कंप्लीट कर लिया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं मैथ्स की कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एट ए पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके लिए लेट सपोज करते हैं, लेट fx इज अ फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल a टू b। ये फंक्शन इसके ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। c एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, और c एक इंटीरियर पॉइंट a b का, इसका मतलब a b इंटरवल के अंदर c पॉइंट है, ठीक है ना। देन fx इज सेट टू बी, fx इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, fx is said to be differentiable at x is equal to c if condition क्या है भाई, ये limit solve करनी पड़ेगी आपको। definition ये है कि limit extending to c fx minus fc upon x minus c, ये जो limit आए, ये limit पहली बात तो exist करनी चाहिए, और दूसरी बात exist भी कैसे करनी चाहिए, finitely। अगर finite आए तो हम क्या कहेंगे कि भाई function है वो x बराबर c पे क्या है, डिफरेंशियबल है। अगर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है फंक्शन की। अब जैसे बात आई लिमिट की, तो कई बार फंक्शन सी पे लेफ्ट में अलग होगा, सी के राइट में अलग होगा, तो इसके लिए दो पोर्शंस ब्रेक करने पड़ेंगे आपको लिमिट को, तो उनको क्या बोला जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना बोल के इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी नेगेटिव, fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये जो लिमिट आएगी दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे हम राइट वाले पोर्शन को, तो लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, fx माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ए फंक्शन to be differentiable at x is equal to c, क्या होना चाहिए, left hand derivative should be equal to right hand derivative, और ये भी फिर कैसे होने चाहिए, finite होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम क्या कहेंगे कि function उस point पे differentiable है। आया समझ में, clear है? तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो left hand derivative, right hand derivative आप ऐसे निकाल सकते हो, और ये दोनों equal और finite आने चाहिए। तो जैसे एक example लेते हैं हम, तो एग्जांपल के लिए जैसे फंक्शन ले रहा हूं मैं, fx इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन लेता हूं, ताकि लेफ्ट राइट का यूज करना सीख सके हम। तो लेट द फंक्शन इज x2 + x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द फंक्शन। तो इस फंक्शन की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, क्योंकि आपको हमें चेक करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x is equal to 0, suppose ये दिया हुआ है, ठीक है। तो left hand derivative निकालेंगे पहले। left hand derivative के लिए क्या करोगे, limit extending to 0 negative, और फिर definition क्या है, तो definition क्या है, fx minus f of 0 upon x minus 0। अब fx को ध्यान से लिखना आपको, 0 से छोटे के लिए ये branch है, तो fx किससे replace हो जाएगा, तो आएगा limit extending to 0 negative x square plus x f of 0, तो 0 पे वैल्यू यहां से मिलेगी 0 ही है, एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे x, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर आ रहा है, 1 इज द लिमिट। अब राइट पे चलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, यही लिखा जाएगा। नाउ fx क्या होगा, x होगा आपके पास, तो ये आएगा x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, ये भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये भी कितना है, 1 के इक्वल है। तो क्या कहोगे कि फंक्शन यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पे,
एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सी पे डिफरेंशिएबल है तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ये एक्चुअली क्या देगा आपको, एफ डैश सी, इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x = c। तो जैसे इस फंक्शन की बात करें तो कोई कहे f डैश 0, बताओ क्या होगा, तो f डैश 0 कितना है, 1 के इक्वल है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, आगे मूव करते हैं और अब हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे कॉन्टिन्यूटी में देखा था, कॉन्टिन्यूटी में हमने देखा कि ग्राफ क्या होता है, ब्रेक नहीं होता। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में बात करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी में मतलब क्या है इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग, तो डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो देखते हैं इस पर ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है भाई कि लेट fx है ना इज डिफरेंशिएबल एट x = c, तो इसका मतलब ये है कि c पॉइंट पे, ठीक है ना, देन इसका मतलब क्या है, देन द कर्व, कौन सी कर्व, y is equal to fx, ये जो मैं कर्व लूंगा, ठीक है ना, has a unique tangent, इस पॉइंट पे क्या होगा, एक यूनिक टेंजेंट होगा एट द पॉइंट। तो पॉइंट क्या है अभी, तो पॉइंट है x is equal to c, और x को c रखोगे तो y कितना आएगा, fc। इस पॉइंट पे इस कर्व का क्या मिलेगा, एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। एंड मोरओवर इसके अलावा एंड फर्दर क्या कह सकते हो, जो f डैश c है ना, जो आपने निकाला है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f डैश c होता है, वो f डैश c एक्चुअली क्या देगा आपको, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट, ऑफ दिस टेंजेंट, जो c fc पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा है उसकी स्लोप आपको किससे दी जाएगी, f डैश c से दी जाएगी। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे गारंटीड एक ही टेंजेंट खींचेगा। ठीक है ना, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी। आया भी समझ में? ठीक है, अब हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था, हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में लिंक देखना चाहते हैं कि कब, मतलब कब डिफरेंशिएबल होगा, तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हो, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कह सकते हो इस तरह से। तो देयर इज अ रिजल्ट कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x = c देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to c। तो पहले तो ये रिजल्ट है, तो इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है ना किसी पॉइंट पे, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ठीक है, अभी करते हैं स्टार्ट। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, fx is differentiable at x is equal to c, this implies limit x tending to c fx minus fc upon x minus c is equal to k, वे एग्जिस्ट करेगी और के मान लो कि आगे के इस पॉइंट पे। ठीक है ना, अब कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो कंसीडर करते हैं, तो ये कंसीडर करता हूं लिमिट x टेंडिंग टू c fx, वे कंटिन्यूस अगर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और fc के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना, यही तो होता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू fc है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू c मैंने क्या किया fx, ठीक है, माइनस में एफ सी कर दिया और प्लस में एफ सी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन इज डिफाइंड एट सी, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो डिफाइंड होगा ही, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स माइनस एफ सी है ना, यहाँ पे एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दिया और एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक्स सी में टेंस कर रहा है तो जीरो नहीं है, जीरो के आस पास है, और प्लस में अलग से क्या है, एफ सी। अब देखो अगर मैं c पे टेंड्स कराऊंगा लिमिट को, दिस एक्सप्रेशन इज अप्रोचिंग टू जीरो, ओके, एंड नाउ दिस एक्सप्रेशन इज अप्रोचिंग टू k, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो ये k की इक्वल है, k इज फाइनाइट, तो 0 इनटू फाइनाइट नंबर इज 0, तो इसका मतलब ये पोर्शन कहां टेंड्स करेगा, 0 पे टेंड्स करेगा, तो आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, यहां पे f ऑफ c मिलेगा, और f ऑफ c मिलेगा तो आप ओवरऑल क्या कह सकते हो कि ये f ऑफ c के इक्वल आ गया, तो इट मींस फंक्शन इज continuous at x is equal to c। तो हमने क्या लिया, differentiable माना c पे और prove कर दिया function क्या होगा, continuous। ठीक है, इसका देखो अब आगे क्या कह सकते हो, दूसरा result आएगा इसका counter positive से, जो मैंने plus one में आपको पढ़ाया था counter positive of statement if p then q का। तो देखो differentiable है तो क्या होगा, continuous, तो यहाँ से देखो क्या क्या और मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हमने देखा differentiable function है किसी point पे, तो उस point पे क्या है, continuous।
दूसरा इसका मिलेगा कि अगर किसी पॉइंट पे नॉट कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है ना किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है p देन q का क्या होता है, नॉट q इंप्लाइज नॉट p। ओके, उसके बाद अगला, अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो आप कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इसके इसका मतलब नो कंक्लूजन अबाउट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। हो सकता है कॉन्टिन्यूस हो सकता है कॉन्टिन्यूस ना, ठीक है। और फोर्थ, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो खाली कॉन्टिन्यूटी से आप नो कंक्लूजन अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस है तो आप ये नहीं कह सकते डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो, सबसे एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है y इक्वल टू मोड x, ठीक है। कंटिन्यूस है, क्लियर है, जीरो पे कोई ब्रेक नहीं है इसमें देखो, ठीक है ना। y इक्वल टू मोड x, ये फंक्शन लिया हुआ है मैंने, तो ये कौन सी ब्रांच है, y इक्वल टू x वाली ब्रांच है। ये कौन सी ब्रांच है, y इक्वल टू माइनस x वाली ब्रांच, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो तो क्या करोगे आप, तो डिफरेंशिएबिलिटी की देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 0 भी तो डाउट है ना, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ये भी डिफरेंशिएबल होता है, पॉलीनोमियल है ना, 0 पे डाउट है। तो 0 पे देखो 0 नेगेटिव करोगे तो f(x) क्या आएगा, तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन है -x, 0 पे वैल्यू 0 है अपॉन x आएगा, तो कितना आएगा -1। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप इस फंक्शन के लिए देखोगे तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 के राइट में फंक्शन x है, तो x - 0 / x तो ये बन आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है। तो मोड x डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, स्टिल इट इज कंटीन्यूअस, तो डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटीन्यूअस है। ऐसा भी हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो और कंटीन्यूअस भी ना हो, यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा कुछ भी नहीं कह सकते। कोई कहे कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है वो नहीं भी, ठीक है। सिमिलरली इन रिजल्ट्स को थोड़ा याद रखना कि डिफरेंशिएबिलिटी हो तो कॉन्टिन्यूटी गारंटीड है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगी, अदरवाइज कुछ भी कंक्लूजन नहीं आ सकता। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक फंक्शन कब कब डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्या क्या मतलब दिक्कतें हो सकती हैं डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होने में किसी पॉइंट पे। जैसे हमने कंटिन्यूटी के लिए पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूटी कैसे कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि कब कब डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो सकती है, ठीक है ना। तो केसेस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कि कब कब आप कैसे मतलब आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल है यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले तो सिंपल सा काम है कि भाई जहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं है वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नॉट कॉन्टिन्यूस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप मन करके कह दो वहां डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और कॉन्टिन्यूस नहीं है वो हमने चेक करना सीखा है। तो सबसे पहले इफ एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट सम पॉइंट तो दिस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करके कर दो। तो कॉन्टिन्यूटी कहां कैसे ब्रेक होती थी हमने देखा था ना भाई, क्या हो सकता था, या तो कॉन्टिन्यूटी कैसे कैसे ब्रेक होती थी, या तो कोई जंप लग जाए या होल बन जाए या कोई लिमिट इनफाइनाइट में चली जाए लेफ्ट और राइट की। तो इस तरह के फंक्शंस पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है आप कहते हो डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, दूसरा केस ले रहे हम एज बन जाए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत, ठीक है। एज का मतलब क्या है, जैसे ये ग्राफ बनाया तो एक शार्प एज बन गया, तो जहां एज बनता है वहां पे जनरली डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाती है। लेकिन एज बना है नहीं बना इसको पिक करने में हमसे गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो जहां एज बनेगा वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होती है। अभी एज का कैसे पता चलेगा, तो इसका पता चलता है सिर्फ ग्राफ से। अभी ग्राफ बनेगा तभी तो आपको पता चलेगा एज बना है नहीं, कर्व को देखते थोड़ी पता चल जाएगा एज बना है नहीं। तो अगर एज बन रहा है तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो रही है। एज किस सेंस में होता है वो समझो, कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूं। जैसे पहला हम लेते हैं fx = हमने एक एग्जांपल लिया था, मैंने x2 + x when x is less than 0 x when x is greater than equal to 0 लिया था, ठीक है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आया था 0 पे,
लेट्स प्लॉट इट्स ग्राफ। तो ग्राफ देखो क्या आएगा इसका, क्योंकि ग्राफिकली समझानी है तो ये चीजें ग्राफिकली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये कंसेप्ट आप यूज करना चाहोगे ना एज वाला, तो ग्राफिकली ही यूज करेंगे। तो लेफ्ट में जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये माइनस वन हो गया, ये जीरो हो गया। तो ऐसे वर्टिकल आएगा अपवर्ड, पैराबोला बनने वाला है यू जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये ओपन आता लेकिन ये जीरो से शुरू हो जाएगा फिर से, तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर्व चेंज हुई है। अब अगर वैसे देखा जाए जनरली तो कई बार बच्चे इसको भी एज समझ लेते हैं। अब ये डिफरेंशिएट कैसे करोगे क्या एज है और क्या नहीं। जैसे यहाँ पे देखो कर्व चेंज हुई थी तो एज बना सा एज दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है लग सकता है कि एज बना है। तो ऐसे में देखो आपको क्या करना है, जब आप ग्राफ बनाओ और आपको ऐसा कुछ लगे डाउटफुल पॉइंट्स होगी एज है या नहीं, तो उनको मतलब कंसीडर करो कि आप ये मान के चलो क्या एज है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करो, आपको एटलीस्ट ये तो पता नहीं है फंक्शन कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है इसमें, तो हमें आप दिख जाएगी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप अगर आपको डाउट है कि एज है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है आप उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, वहीं से आपको पता चल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो, जैसे ये ब्रांच इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर क्या है एक्स। तो इसका भी देखो एक सिंपल सा तरीका है, हम बार बार डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या कर सकते हैं, अब इसको भी ध्यान से समझना। राइट हैंड ब्रांच क्या है एक्स, ठीक है। तो आप इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप क्या करो डिफरेंशिएट कर दो इसको, ठीक है। तो कितना आएगा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना ले लो 1। लेफ्ट का डिफरेंशिएशन आप इधर कर दो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, तो यहां पे करोगे तो क्या आएगा 2x + 1, ठीक है। ये आया ना, x कितने पे टेंड्स कर रहा है भाई, कहां पे चेक करना चाहते हो 0, तो एट x जब 0 पे टेंड्स करेगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कितने हैं इक्वल है, तो राइट लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये एक्चुअली एक एज नहीं है। तो दिस इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं मैं, तो इस चीज को समझाता हूं अच्छे से एज का क्या वो, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको फंक्शंस दे दिए जाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, वहां से हमें आईडिया होता है कि एज बन रहा है या नहीं बन रहा है, दिखता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं fx, मान लो मैं ले लेता हूं आपकी बार x स्क्वायर, जब x लेस देन 0 है और x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब की बार देखो तो x स्क्वायर लेस देन 0 के लिए ऐसा ग्राफ आएगा, कुछ यूं आएगा, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ दिखा, ठीक है ना। यहां पे फिर से नेचर चेंज हुआ, ऐसा बनता दिखा। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो इधर क्या ब्रांच है x स्क्वायर, इधर क्या ब्रांच है x, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि डाउटफुल पॉइंट है तो 2x, तो आपको ऐसे दिखे ना ऐसा बन रहा है, तो ये मत होगी एकदम डिफरेंशिएबल, किसी को ये भी लग सकता है ये एज है, तो आप चेक जरूर करो एक बार। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो एट x टेंडिंग टू 0 आओ क्योंकि 0 नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो 0 रखोगे तो भी 1 ही आने वाला है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो मैंने एक चीज कही थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप सीधा डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे देखो गलती कहाँ हो जाती है, देखा इसको समझना काफी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे गलती हो जाती है देखा कि बच्चे क्या करते हैं ग्राफ बनाते नहीं सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं ऊपर ही और वहां फंस जाओगे, ठीक है। ग्राफ बनाए नहीं, ग्राफ बना के तो आपको दिख जाएगा, फिर तो आप डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना ग्राफ बनाए मत कर देना। कैसे जैसे मान लो कोई यही कर दे 2x आ रहा है जी, इसका 1 आ रहा है, x 0 पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी बात पे, फिर fx = ये ले लिया मैंने x square plus x when x is less than 0 and x plus 1 when x is greater than equal to 0, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि 0 पे चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी, और किसी भाई साहब ने सोचा कि सीधा कर दो डिफरेंशिएट, बताओ क्या आएगा 2x plus 1 आएगा ना, और इसको x tends to 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपके हिसाब से भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फिर कहोगे राइट हैंड डेरिवेटिव 1 हो गया, फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। गलत है, ग्राफ बनाने देखो आपको सब नजर आएगा, लेफ्ट राइट में क्या गड़बड़ है वो भी समझाऊंगा मैं।
ठीक है, तो इधर लेविस का ग्राफ क्या आएगा, दिस इज माइनस वन दिस इज जीरो, तो ऐसा कुछ आएगा ये और ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, अब अगला ग्राफ हो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस ही है जब लगा हुआ है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। तो ग्राफ बनाने से आइडिया होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद आप लेफ्ट राइट का ये वाला कंसेप्ट बता सकते हो, ठीक है ना। या बिना ग्राफ बनाए कर रहे हो तो पहले आप इंश्योर करो कि जीरो पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर आप ये करना चाहते हो सीधा यहाँ पे, तो पहले आप चेक करो कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट जीरो आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, राइट हैंड लिमिट वन आ रही है, तो फंक्शन इज नॉट इवन कंटिन्यूअस। और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ डिस्कस कर रहे हो भाई, तो इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कोई कहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो वन आ रहा था, गलत आ रहा है, क्या था ये देखो क्या गलती कर रहे थे हम, तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो सही आ रहा है, कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx क्या है x2 x माइनस में f की वैल्यू 0 पे, तो x फंक्शन की वैल्यू 0 पे कौन देगा, ये देगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे ये नहीं देगा, ये देगा, तो फंक्शन की वैल्यू 0 बताओ कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 0 पे कितनी है 1, तो माइनस में 1 अपॉन x और x माइनस 0, तो x ही आ जाएगा, तो ये देखो आप रख के, तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव x प्लस वन माइनस वन बाई एक्स, तो ओवरऑल आप देख सकते हो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, देखो ना ये जीरो ये वन और ये प्लस इन्फिनिटी, तो लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो प्लस वन नहीं आएगा, वो एक्चुअली कितना आएगा प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इन्फिनिटी आ गया तो ओवरऑल लिमिट फाइनाइट हो ही नहीं सकती अगर एग्जिस्ट भी कर गई तो, ठीक है, तो इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंशिएशन वाला अगर आप कंसेप्ट लगाओ तो या तो ग्राफिकली देख लो या फिर ऐसे करते हो तो एक चीज इंश्योर कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो पहला आपका, ठीक है, समझ गए। तो दूसरा, पहला हमने क्या किया कि कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो गई तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफकोर्स ब्रेक होगी, दूसरा हमने किया एज बन गया कहीं पे तो डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होगी, एज को ब्रेक मतलब एज चेक कैसे करना है वो मैंने तरीका समझा दिया है। एज ग्राफ बनाओगे तो आपको टेंटेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो उसको इंश्योर करने के लिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ले लिया करो, ठीक है ना, लेकिन वो ग्राफ बना के ही किया करो, जनरली कहीं ब्रेक हो रहा है तो अपने आप ही वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक होने का, तो थर्ड पॉइंट हो सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव में से एटलीस्ट वन इनफाइनाइट आ रहा, अगर कोई भी इनफाइनाइट आ गया तो वहीं पे फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इफ एटलीस्ट वन ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इज प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, एक भी अगर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ गया तो फिर फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे फंक्शन देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसका जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो एफ एक्स आप ले लो, fx मैंने ले लिया x की पावर 1/3, ठीक है ना, fx is equal to x की पावर 1/3, और x को कितना ले रहे हम at x is equal to 0 चेक करना चाहते हैं, इसका ग्राफ खींचोगे x की पावर 1/3 का तो कैसे आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है। तो देखो 0 पे हम चेक करना चाहें तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, फंक्शन तो यही है x की पावर 1/3 0 पे वैल्यू 0 अपॉन x माइनस 0, तो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1/x की पावर 2/3, और ये आएगा प्लस इनफिनिटी क्योंकि x की पावर 1/3 नेगेटिव आता और लेकिन स्क्वायर कर दो प्लस, तो 1/0 लेकिन प्लस का 0 है इसलिए इनफिनिटी आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx फिर से x की पावर 1/3 माइनस में 0 पे 0 अपॉन x, तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1/x की पावर 2/3, और ये फिर से कितना आएगा प्लस इनफिनिटी। तो यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है इक्वल तो हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बट दोनों ही क्या है प्लस इनफिनिटी है, तो यहां पे क्या कहोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हां इस पॉइंट पे टेंजेंट है ना वो वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि स्लोप मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, जिसका मतलब जो यहाँ पे टेंजेंट खींचेगा ना वो एक्चुअली कैसा होगा वर्टिकल टेंजेंट होगा, वर्टिकल टेंजेंट जहाँ होता है ना उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबल नहीं मानते हैं फंक्शन को बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे x = 0 पे इस कर्व के लिए क्या कीजिएगा एक वर्टिकल टेंजेंट कीजिएगा,
तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों प्लस इंफिनिटी आए या दोनों माइनस इंफिनिटी आए तो फिर फंक्शन का वर्टिकल उस फंक्शन का उस पॉइंट पे एक्चुअली क्या होगा वर्टिकल टेंजेंट होगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 2 / 3 ले लो एक बार। ठीक है, तो fx = x की पावर 2 / 3 होगा तो क्या मिलेगा? ठीक है, फिर मोड लगा देता तो क्या मिलता? तो इसके साथ ही जैसे इसके साथ आप ये कर देते x की पावर 1 / 3 इसका पूरे का मोड, ये फंक्शन ले दो तो इसका ग्राफ क्या आता? तो इसको आप डिफाइन करते तो भी डिफाइन हो जाता है x की पावर 1 / 3 आता, कब? जब x 0 से बड़ा है या इक्वल है, और माइनस x की पावर 1 / 3 आता कब? जब x 0 से छोटा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप देखोगे ना तो ऐसा कुछ आएगा, ये ब्रांच तो ऐसे रहेगी, इधर वाली ब्रांच लिफ्ट होनी थी, ऐसे होता है ना, ये मोड़ लगता है तो नीचे ब्रांच ऊपर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक तरह से क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ग्राफिकली देखे तो डाउट तो वैसे ही हो गए, वैसे भी हम x = 0 पे चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे ना तो जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आएगा यहाँ पे, तो चेक कर सोल्व करना, प्लस इंफिनिटी आएगा पिछले वाली की तरह, लेकिन जब नहीं सॉरी राइट लेफ्ट नहीं राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से आएगा तो माइनस इंफिनिटी आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी। तो दोनों ही आपके बारे में इनफाइनाइट है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, ऐसे पॉइंट को एक्चुअली क्या बोला जाता है? कस्प बोला जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक्चुअली क्या होगा, वो जो टेंजेंट है वो ये नहीं कह सकते आपके आपको वर्टिकल टेंजेंट मिला, बल्कि वो पॉइंट क्या कहलाएगा? कस्प कहलाएगा। खैर, ये चीजें सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि दोनों प्लस इंफिनिटी या दोनों माइनस इंफिनिटी है तो वर्टिकल टेंजेंट, और कोई भी केस होगा तो फिर वहां पे वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं होगा, वैसे टेंजेंट तो है ही नहीं। तो एक भी अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस या माइनस इंफिनिटी आया तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन केसेस से आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है भाई, बाकी डेफिनेशन तो आपके पास है ही। ठीक है भाई, आगे करते हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, पॉइंट वाइज नेचर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं अपना, प्रॉपर्टीज में कुछ नया नहीं है, सारी वही चीजें हैं जो अपनी कॉन्टिन्यूटी में पढ़ी है, तो मैं एक बार बस उसको लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले कि मान लो fx एंड gx, दीज आर टू फंक्शंस एंड बोथ ऑफ देम आर डिफरेंशिएबल एट x = a, सपोज करो दोनों a पे डिफरेंशिएबल हैं, देन क्या-क्या रीजन से वो यहां पे एज इट इज आएंगे, fx प्लस और माइनस gx वहां कंटीन्यूअस होते थे, ये डिफरेंशिएबिलिटी कर लिए तो ये भी डिफरेंशिएबल होंगे एट x = a। सेकंड, fx * gx ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट x = a। ठीक है, थर्ड, fx डिवाइडेड बाय gx क्वोशेंट ले लिया जाए तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा एट x = a, प्रोवाइडेड एक सिंपल सी कंडीशन है कि z की वैल्यू a पे है ना, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं हो पाएगी वहां पे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी में ही थी, एज इट इज डिफरेंशिएबिलिटी में आ गई। ठीक है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस पॉइंट में फिर से वो डिफरेंशिएबल रहेगा। तो d क्या है, k * में fx, ये फंक्शन भी क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा एट x = a। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब हम लेते हैं एक डिफरेंशिएबल हो एक ना हो, उस पे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बने थे, तो सेम रिजल्ट यहां है कि मान लो fx है ना, दिस इज डिफरेंशिएबल एट x = a एंड लेट gx इज not differentiable at x is equal to a। तो यहाँ से देखो क्या-क्या रिजल्ट बनते हैं। Then सबसे पहला आता है a fx plus या फिर minus, एक differentiable है, एक नहीं है, तो sum या difference है वो क्या आएगा? Not differentiable आएगा। Continuity में यही होता था। ठीक है। Second product की बात करें, fx into gx, तो फिर product के बारे में answer आएगा not conclusion, फिर से वही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते आप। सिमिलरली डिवीजन के लिए भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही तरह की चीज है। ठीक है, तीसरे में चलते हैं कि fx मान लो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है एट x = a, और gx है ना एक दूसरा फंक्शन, वो भी कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है एट x = a। देन यहां से क्या रिजल्ट आएंगे, तो यहां पे भी वही रिजल्ट है कि अगर मैं सम ले लूं fx + और - gx,
तो इसके बारे में वहां आया था नो कंक्लूजन, सेम यहाँ है नो कंक्लूजन, आप कुछ भी नहीं कह सकते, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, सेम प्रोडक्ट का हाल है। fx into gx की बात की जाए तो यहाँ भी क्या आएगा, नो कंक्लूजन, यहाँ भी आप कुछ भी नहीं कह सकते, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। इनफैक्ट यहाँ पे एक और रिजल्ट किया तो वो भी अजीब ही आएगा कि इन दोनों में से क्या हो सकता है, एट मोस्ट वन कैन बी डिफरेंशिएबल। तो वहां भी यही था कि दोनों में से एट मोस्ट एक कॉन्टिन्यूस हो सकता है, यहाँ पे रिजल्ट है कि एट मोस्ट एक डिफरेंशिएबल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, एक भी ना हो, अगर होगा तो फिर एक ही हो पाएगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये है इनकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज, दो कहीं ना कहीं उन्हीं उसी तरह की। ठीक है, फोर्थ उसके बाद करें तो हम अभी चलो हम आगे मूव करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं एक बार कि एक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एक इंटरवल पे देखनी होती है, ये सब पॉइंट वाइज थी। ठीक है ना, अब हम इंटरवल की तरफ मूव करते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको बस एक डेफिनेशन में थोड़ा चेंज आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल, तो भाई हम दो केस बना लेंगे, एक बार ओपन और एक बार क्लोज्ड। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑन ओपन इंटरवल, तो ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तो इस इंटरवल पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो जैसे कॉन्टिन्यूटी में था हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ऐसे ही डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो एफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, सभी के लिए होना चाहिए, सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या कह दोगे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो वही है बिल्कुल। दूसरा आता है ऑन क्लोज्ड इंटरवल, तो आपको क्लोज्ड इंटरवल पे चेक करना है, मान लो क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले एफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ऑल द पॉइंट बिटवीन द इंटरवल, इन द इंटरवल ए बी, ठीक है ना, ए और बी को छोड़ के, अभी ए और बी पे क्या चेक करोगे, तो ए पे देखो जो वहां पे हमने राइट हैंड लिमिट चेक की थी, यहां पे हम राइट के ए के लिए क्या चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट की बात कर सकते हो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एक तरह से, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये क्या होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करे और वो भी कैसे, फाइनाइटली, बस इसमें आपको इसका लेफ्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। जबकि थर्ड बी के लिए आप क्या चेक करोगे, तो बी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, बी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ओ बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और वो भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये तीन अगर पॉइंट आप चेक कर लेते हो तो फिर आप इनको मिला के क्या कह सकते हो कि ये फंक्शन कोई भी फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर पॉइंट वाइज ही आना चाहिए मेनली, तो पॉइंट वाइज का इंपॉर्टेंस है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक इंटरवल के ऊपर डिफाइन करते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर, जैसे हमने वहां पे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की कंटिन्यूटी देखी थी, ऐसे ही हम डिफरेंशिएबिलिटी देखना चाहते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे सबसे पहले बात करते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन, तो भाई पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो सब कहीं कंटिन्यूस होता था ना, पॉलीनोमियल फंक्शन का ग्राफ कभी भी कोई ऐसे नहीं बनता है, कभी भी ब्रेक नहीं होता है, तो पॉलीनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा भी पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, दूसरा इससे पहले ले सकते थे हम उसको कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस था हर कहीं, ऐसे ही क्या होता है, दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तो थर्ड हम ले रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हमने पढ़े थे, उनकी अगर बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने देखे थे, डोमेन और रियल नंबर होती है और सब कहीं, जब ग्राफ खींचते तो कोई दिक्कत नहीं होती, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी क्या होते हैं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो डोमेन है वहां पे अगर बात करें तो भाई क्या होगा,
डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। फिर सभी रियल नंबर के लिए तो बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिफाइन नहीं है वहां पे। तो अपने डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं इन देयर डोमेन। तो मैं साफ साफ लिखा है, मैंने अपनी डोमेन में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होंगे। जैसे अपने डोमेन में हर पॉइंट पे वो कंटीन्यूअस भी थे, डोमेन के बाहर डिसकंटीन्यूअस हो थे अगर आपको याद हो तो। तो अपनी डोमेन में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे साइन है पूरी रियल लाइन पे, कोस है पूरी रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल है। टेन की बात करोगे तो टेन पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं है, तो उनको छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल। इस तरह से ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं इन देयर डोमेन्स, ठीक है। अपनी डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर मॉडुलस फंक्शन की, तो मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी सब नहीं क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है कहां पे भी, इंटीग्रल पॉइंट्स पे, ठीक है। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें तो उसकी भी यही दिक्कत है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन कहाँ दिक्कत करेगा, कॉन्टिन्यूटी वाली दिक्कत है इनमें, जहाँ कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है वहाँ डिफरेंशिएबिलिटी। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमें पता है, हम यूज करते आए हैं, तो उनको हमने एक बार समराइज कर लिया है कि कौन सा कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है, क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आए होंगे, आपको करना क्या है, इनको अच्छे से एक बार इनसे गो थ्रू हो लेना, ताकि अगले लेक्चर में जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड तो आपको दिक्कत ना आए। तो डेफिनेशंस बहुत क्रूशियल है, ठीक है ना। और एक जो मैंने आपको स्पेसिफिक इम्पोर्ट मतलब स्पेशल एम्फेसिस हमने दिया था एक मेथड पे, एज वाले पे, उसके दो तीन एग्जाम्पल कराए, तो उनको ध्यान से समझना कि एज वाला मेथड क्या कैसे हेल्प करेगा, एज में क्या कंफ्यूजन रहता है, कब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आप डिफरेंशिएशन करके ले सकते हो, कब आपको अवॉइड करना चाहिए, वो सब हमने डिस्कस किया था, उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है भाई। आया समझ में आता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, तो पहले हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर अच्छे प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए आपका काम होगा इसको अच्छे से रिवाइज करना है, दैट्स इट। Thank you. Have a nice day.